मेरी तरफ इशारा करें, मतलब कि हम फैसला नहीं थे करते कि किन्हें पढ़ना है पहले। तो फिर हमने बिलाखिर कहना कि चलो जिस तरह तुम्हारी मर्जी। तो मेरा उनसे खूनी ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन खुदा की कसम खून से बढ़कर ताल्लुक था। चूंकि ये ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत का था, दुआ करें अल्लाह ताला उनके बेपनाह शागिर्द हैं पाकिस्तान में बाहर, उनके बेपनाह मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए, और बिलखसूस उनकी दो शहजादियाँ बेटियाँ जिन्हें अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारे बाबा इस दुनिया से चले गए। बेटियों से मैं आज मिला, तो कहती हैं कि माफी चाहता हूँ, शायद ये महफिल शादी की थी, हाँ अल्लाह ताला शादी खाना बादी फरमाए, आने वाली जिंदगी में बेपनाह खुशियाँ रहमतें बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह किसी की औलाद को ये दुख न दिखाए, दुरूद पाक पढ़िए, कोशिश करता हूँ। रसूल अल्लाह वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करें के हमारा ये जो कबीला हसान है ना, मिजाजन हर नात का खालिद भाई जैसा हो, सही बेनियाज शख्स यकीन करें। अल्लाह यहाँ आना इसलिए भी मेरा ज़रूरी था कि ये जो मेरा भाई अब्दुल वहाब है, ये मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत दूर का सफ़र करता है, यकीन करें। और सफ़र तो असल में मेरा भी इसका भी हम सबके सफ़र हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हैं। तो
मैंने कहा ये इतना सफर करके कभी गुजरांवाला पहुंचा होता है, कभी फतेहजंग, कभी गुजर खान, कभी कहां कभी कहां, तो ये तो मालिक की तरफ से एक इम्तिहान था। अल्लाह ताला बस बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, तौफीक दे। तो मैंने हिम्मत की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज पे माता हाजिर हुआ। खालिद भाई का पढ़ा हुआ शोहरा आफाक खाला, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा उन जैसा। मैं तो क्या कोई भी नहीं पढ़ सकता, फर्द वाहिद का नाम है खालिद हसैन खालिद। वो जो भी था बस वो आए, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के उस शाख को महसूस किया, बस वो जो था वो सब चला गया। बस कंट्रोल कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आप कंट्रोल करेंगे तो मुझसे कंट्रोल होगा। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। बे जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। हवाएं
गुमराह न कर जाने दे। मौत पर मेरी शहीद